जिंदाबाद जिंदाबाद जय जवान जय किसान। जो अधिकारी न्यायी है वही हमारा हाल है। जो अधिकारी न्यायी है वही हमारा हाल है। जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीआर न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। सीतापुर रोसा क्षेत्र के भ्रष्टाचार की जांच के लिए किसान यूनियन ने बिलाक में खंड विकास अधिकारी को दिया ज्ञापन। जांच न होने पर जिला स्तरीय धरने की दी गई चेतावनी। भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक गुट के द्वारा कई बार रोसा बिलाक के भ्रष्टाचार की जाँच की मांग का ज्ञापन खंड विकास कार्यालय पर दिया गया, जिसकी सुनवाई न होने पर पुनः सोमवार दोपहर संगठन के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार मिश्रा की अगुवाही में ज्ञापन देकर जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई। भारतीय किसान यूनियन के बिलाक अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा ने बताया, संगठन द्वारा पूर्व में 3 बार बिलाक के 5 सचिव द्वारा किए गए भ्रष्टाचार पर आपात्रों को दिए गए आवास की जांच के लिए ज्ञापन दिया गया, जिसकी सुनवाई नहीं की गई। इसीलिए यह ज्ञापन संकेत देने के लिए किया गया है कि यदि सुनवाई नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर जिला सचिव अंजनी कुमार सिंह, पतिराज सिंह रामाड़ी, पंकज पाल, अनिल कुमार तिवारी, दिनेश सिंह, कुंदन सिंह आसिफ आदि लोग मौजूद रहे। हम जो है कोई जांच टीम गठित करेंगे, इसके द्वारा जो ये लोग दे रहे हैं अपनी शिकायत कर रहे हैं उसकी जांच करवाई जाएगी, रिपोर्ट होगी, वीडियो सर को प्रेषित की जाएगी। अच्छा, ये कई यहाँ पर जो आपके द्वारा शिकायत के लिए दिए जाते हैं लेकिन उसकी जाँच अच्छा यहाँ पर वीडियो साहब को दी जाती है, तो आप वीडियो साहब से ये पूछ सकते हैं कि हमने जो लेटर दिया था तो उसमें क्या हुआ, उसकी जांच की जाए। हमने कार्रवाई करने की मांग की थी, उन्हीं को जांच दे दी गई, वही जांच करना तो अपने खिलाफ क्या कोई जांच कर लेगा। तो आप दे रहे हैं लौकी नवादा राजापुर कला पूरे इलाके में कई जगहों का मामला को लेकर के यहां पर ज्ञापन दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। काफी का जिला महासचिव हूं और आज के दिन हम लोगों ने एक मतलब जिला स्तरीय पंचायत यहाँ बुलाई, 3 बार हमने ज्ञापन दिया, आपने भी उसकी कवरिंग की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज हमारे जिला अध्यक्ष ही हमारे बीच में आए और तहसील महमदाबाद का संगठन है, तहसील बिलुवा का संगठन है, ब्लॉक रेउथा का संगठन है, तमाम संगठनों के लोग यहाँ पधारे हुए हैं। इस बीच में हम अपात्र व्यक्तियों को पात्र बना करके आवास जो आवंटित किए गए, अपात्र व्यक्तियों को पात्र व्यक्तियों को अपात्र कर दिया गया, उसकी व्यापक जाँच कराई जाए। हमारे मतलब जिला स्तरीय जाँच हो या कोई फाइनल जांच करे इसकी, जिसकी हम लोग जांच खिलाफ एप्लीकेशन देते हैं उसी को जांच पकड़ा दी जाती है। वो अपने खिलाफ क्या जांच करेगा, अपने क्या रिपोर्ट लगाएगा। हाँ जिला देखिए, आप बताएं आप क्या गया। मेरा नाम प्रदीप कुमार मिश्रा, मैं भारतीय किसान यूनियन अम्बौसा का जिला अध्यक्ष हूँ। आज हमारे किसान जो है 3 बार ज्ञापन दे चुके हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं। जो 5 सेक्रेटरी मिलकर 5 करोड़ का दमन दिया वो आज तक ना जेल गए ना उनकी कोई जाँच हुई। जो जिनके बिल्डिंग बनी है उनको आवास दिए जा रहे हैं, जिनके कुछ नहीं उनको अपात कर दिया जा रहा है। तो आज हम लोग ये संकेत देने आए पदाधिकारियों के साथ कि अगर अविकल जांच नहीं की गई तो हम लोग धरना और आंदोलन और भूख हड़ताल भी करेंगे। ज्ञापन अभी किसको दिया है? ज्ञापन कौन है? ये दियो सहायक विकास अधिकारी, उनको ज्ञापन दिया गया। कई बार ज्ञापन तीन बार भी जो साहब को दिया गया लेकिन जिसका आज तक कोई निस्तारण नहीं किया गया। तो हम ये चाहते हैं जो दोषी सेक्रेटरी हैं 5, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, कार्रवाई होने के बाद वो निलंबित करके जेल भेजे जाए।